सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज मैं हमेशा की तरह लाई हूँ कुछ यूजफुल से किचन टिप्स। काम तो ये आपके आसान करेंगे ही, साथ में आपकी वाहवाही भी होगी, यानी आपकी तारीफों के पुल बन जाएंगे। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, वेकेशन पे कह ले या किसी काम से ही जा रहे हैं दो चार दिन या हफ्ते के लिए, तो हमारी ये कोशिश होती है कि दूध दही को तो हम ख़त्म कर दें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। दही जो है रखे रखे खट्टी हो जाएगी, चाहे वो फ्रिज में ही हो, एक हफ्ते में वो खट्टी हो जाएगी। और दूध जो है वो भी रखने से क्या होगा कि हम जब आकर गर्म करेंगे ना, तो इसके ऊपर घी घी सा आने लगता है, ऑयल सा दिखता है ना, तो वो फिर ना तो पिया जाता है और ना ही इसको हम चाय में यूज़ कर पाते हैं। तो इसके लिए ना आपने क्या करना है, दही को या तो आप एज इट इज़ ऐसे ही फ्रीजर में रख दें, या फिर मैं देखो क्या करती हूँ, थोड़ी सी दही हमेशा फ्रीजर में रख जाती हूँ एक छोटी सी डिब्बी में डालकर। ये जामन के काम आती है, जब हम बाहर से आएंगे तो ये बाहर रख लेंगे थोड़ी देर स्लैब पर, तो दही जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाती है, तो इससे हम खट्टा लगा सकते हैं, दही जमा सकते हैं। इसी तरह से देखिए, जब हम दूध फ्रीजर में रख जाएंगे तो वो जम जाएगा, आएंगे तो इसे बाहर रखेंगे स्लैब पर, थोड़ी देर में ये भी ठीक हो जाएगा, इससे आप चाय बना सकोगे, इसके ऊपर बिल्कुल भी घी ऑयल नहीं आता है। या फिर आप दही जमा सकते हो, खट्टा भी है दूध भी है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ इस तरह से ना वेस्ट नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। ये वाली टिप भी कुछ इसी तरह की, यानी कि अभी देखिए वेकेशन आ गई है, ऐसे में क्या होता है, हम लोग लेडीज़ लोग मायके जाते हैं तो हस्बैंड क्या है घर पे हैं, या हमारे कोई बड़े बच्चे हैं जिनके कुछ एग्ज़ाम की तैयारियां हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए ना हमें ये टेंशन रहती है, अब ये तो जा नहीं रहे हैं तो रोटी का क्या होगा। सब्जियां हम ज़्यादा बना के फ्रिज में रखते हैं, कुछ हम फ्रीज़र में भी रख जाते हैं, पर रोटियों का क्या करें, रोटी वो कैसे बनाएंगे, आटा गूंदना रोटी बनानी हुई तो सब लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, इसमें थोड़ा सा बस ऑयल लगा देना ऊपर से, जिससे कि रोटियां सॉफ्ट बने। अब जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से पेड़े बनाने हैं, वैसे ही रोटियां बनानी हैं। जितनी आपने बनानी है, अगर आप थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी बनाएं, ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा रोटियाँ भी बना कर रख सकते हो। रोटियाँ बेल कर चाहे तो आप एक के ऊपर एक रख लेना, पर ये चिपके ना आपस में, ध्यान रखना। अब इनको सेकना कैसे है, तो देखिए आपने तवे पर रोटी डालकर ना इसको बहुत हल्का सेकना है, गैस को लो रखना, सिर्फ 30 सेकंड के करीब देखिए मैंने इसको सेका और पलट दिया। ये देखिए अभी आपको कच्ची लग रही होगी रोटी, दूसरी साइड से तो और भी कम सेकना है, 10-15 सेकंड ही बस, और इसको पलट दिया। ये देखिए आप, मतलब दो बार या तीन बार भी नहीं पलटना है इसको, और ये ऐसी हो जाएगी, देखिए आप हाफ डन सी हो गई समझ लो, कि अब ये कच्चा आटा नहीं है पर पूरी तरह पकी हुई भी नहीं है, ऐसी करनी है आपने। तो ऐसी कर करके ना आपने इनको फैला कर रख देना है, तो जितनी बनानी है उतनी पहले बना लें। अभी मैंने देखे थोड़ी सी बनाई है, अब इनको बिल्कुल ठंडा होने दें, पूरी ठंडी हो जाए ना, फिर आपने इनको क्या करना है, लेना पेपर। तो ये देखे मैंने लिया है वाइट पेपर, न्यूज़पेपर नहीं लेना, ऐसा पेपर हो नहीं तो बटर पेपर हो, कोई साफ सा पेपर लेना। अब इसके पीस कट करके ना एक एक रोटी को एक एक पेपर के ऊपर रखते जाना। ये देखिए आप, रोटियां ठंडी हैं, इसके ऊपर मैं पेपर इसलिए रख रही हूँ कि आपस में अब चिपके ना, क्योंकि अभी हम इसको पैक कर रहे हैं। तो पैक करने के लिए मैंने लिया है जिप लॉक बैग, ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई टिफ़िन लेना, स्टील का कोई भी आपके पास टिफ़िन हो, बॉक्स हो, उसमें रख देना, और रख देना इसको फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में आप इसको रखोगे ना तो ये 1.5 महीने 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आपने इसको रख दिया, अब जब आपको यूज़ करना है तो आप उतनी ही रोटी निकाल लेना जितनी आपको अभी चाहिए, सारी निकालना नहीं, बस उतनी निकाल लेना, और बाकी की फिर से वैसे ही रख देना फ्रीज़र में। तो ये थोड़ी देर में नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगी, तो आपने इसको करना है गर्म। गर्म करने के लिए देखिए आप तवे पर कर लें, या माइक्रोवेव में कर लें, या गैस के ऊपर भी इस तरह से फुला सकते हो। देखिए बहुत ही आसान काम हो जाता है, अब ये जो है ना आटा गूंदना पड़ा है, ना रोटियां बेलनी पड़ी हैं, और बस गर्म करनी पड़ी है, चाहे माइक्रोवेव में कर लो चाहे ऐसे कर लो, काम कितना आसान हो गया। आपको भी टेंशन नहीं रही कि पीछे से रोटियां कैसे बनाएंगे, क्योंकि बाजार की रोटी ना रोज़ रोज़ नहीं खाई जा सकती है। तो
तो ये काम तो आसान हो गया है। अगर आप ना इस तरह से पूड़ी को भी स्टोर करना चाहते हो ना, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, मैं वीडियो के एंड में ना उसका लिंक दे दूँ, चाहे तो आप वो भी देख सकते हो। उम्मीद आपको ये टिप पसंद आई होगी। हरी मिर्च का ऐसा यूनिक सा स्नैक्स आपने नहीं बनाया होगा, टी टाइम स्नैक्स है। तो देखिए, हरी मिर्च जो है ये कम तीखी वाली ली है मैंने, तो आप चाहो तो तीखी भी ले सकते हो। तो इसको धोकर लिया हुआ है, ऊपर और नीचे से काट देंगे। अब इसके हमने पीस कट करने हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना लंबे लंबे, वैसे कर रही हूँ मैं। इसके सीड्स निकाल दिए हैं, तो देखिए आप ऐसे मैंने किए हैं। अगर बड़ी मिर्च है चाहो तो आप और बड़े बड़े भी पीस कर सकते हो, पर मैंने करीब करीब बराबर के ही कर लिए हैं। तो सारे पीस इस तरह के करके लेने हैं। अब लेंगे एक बाउल में चौथाई कप मैदा और चौथाई कप कॉर्नफ्लावर। तो इनकी जगह ना आप बेसन भी ले सकते हो, बेसन में आप थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर ले सकते हो। इसमें अब मिला लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और ये मिलाया मैंने किचन किंग मसाला, हो तो डाल लेना, नहीं तो चाट मसाला डाल लेना, रेड चिल्ली स्वाद के अनुसार डाल लेना। इनको मिलाने के बाद एक आध चम्मच मिला लेना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और भी अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के ना इसका थिक सा हमने बैटर बनाना है, पतला नहीं करना, थिक सा बना लेना। और इसमें डाल देना काटी हुई हरी मिर्चों को, अच्छी तरह से मिला लेना। अगर आपको इस समय लगे कि बैटर बहुत थिक है, हल्का सा पानी डालना, अगर लगे कि पतला है तो हल्का सा मैदा और डाल लेना। अब इसको हमने करना है फ्राई, अब इनको करेंगे फ्राई। ऑयल गर्म है, गैस मीडियम कर दिया है, इसमें इनको एक एक करके मैं डाल रही हूँ। इसको आप एक साथ थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हो, बाद में आप इसको जब तलते हैं ना हम स्पैचुला से, तो हल्का हल्का हिलाएंगे ना तो वो अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए, इनको हमने बिल्कुल कुरकुरा करना है, तो जैसे हम भिंडी कुरकुरी बनाते हैं ना वैसे ही बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए आप बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसमें अब आप ऊपर से चाहे चाट मसाला, रेड चिली या जो भी अपनी पसंद का मसाला डालें, चाहे तो दाल चावल के साथ खाएं, ऐसे ही सॉस के साथ खा लें, या फिर आप इसको रोटी सब्जी के साथ भी खा सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई देना, बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आपको इनमें से कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।